निर्णायक मंडल तथा प्रथम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक बैठे, अपनी मेहनत का लोहा मना रहे भारत के बेटे और बेटियों को मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम आज यहाँ पे मिशन 2030 के ऊपर परामर्श और सुझाव देने के लिए एकत्रित हुए हैं। राजस्थान मिशन 2030 की शुरुआत हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी ने 22 अगस्त 2023 को की, जिसके अंतर्गत राजस्थान के हर नागरिक को अधिकार दिया गया कि आप सरकार को किसी भी विभाग से अपना सुझाव देकर राजस्थान को एक विकसित राज्य बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। इसके तहत प्रदेश के 1 करोड़ प्रदेशवासियों से सुझाव लिए जाएंगे, जिसके लिए अलग अलग विभागों में अलग अलग दिन मीटिंगें रखी जा रही है, जिसमें परामर्श और सुझाव लिए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी ने यह कहा है कि राजस्थान को हर क्षेत्र जैसे सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक विकास, रोजगार, महिला सशक्तिकरण, सूचना प्रौद्योगिकी, हर क्षेत्र में राजस्थान को एक मॉडर्न स्टेट बनाना है, जिससे वर्ष 2030 में राजस्थान को भारत का एक अग्रणीय राज्य बनाना है। इसी कड़ी के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री मिशन 2030 के तहत एक नई सोच, एक नई सुबह का नारा देते हुए उन्होंने कहा था कि राजस्थान की प्रगति को 10 गुना तेजी से बढ़ाया जाएगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, उसी प्रकार जब एक व्यक्ति अपनी प्रगति में 10 गुना तेजी से वृद्धि करेगा तो परिवार का आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, और परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो समाज आर्थिक दृष्टि से मजबूत होगा, और समाज आर्थिक दृष्टि से मजबूत होगा तो स्टेट अपने आप ही आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो जाएगा। इसी तरह उन्होंने अनेक विभागों में सुधार करने के लिए अलग अलग पॉइंट रखे हैं, जैसे कृषि क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, ऊर्जा स्वावलंबन, जल संचय, स्वच्छता। सबसे पहले बात करता हूँ मैं कृषि में सुधार करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी ने सिंचाई सुविधा को बढ़ावा देने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए हैं तथा कृषकों को बढ़िया क्वालिटी के बीज उत्पन्न किए जा रहे हैं, जिससे कम भूमि के अंतर्गत अधिक उपज हो सके। इस अभियान का मेन वाक्य यही रहेगा कि मिशन 2030 तक राजस्थान को कृषि के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ किया जाए। दूसरी बात यह आती है स्वास्थ्य के अंतर्गत अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों में की संख्या में वृद्धि की जा रही है, नर्सों तथा डॉक्टरों की संख्या में वृद्धि की जा रही है, नर्सों तथा डॉक्टरों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, जिसके तहत राजस्थान के किसी भी मरीज को ये तकलीफ उठानी न पड़े कि मैं किसी पैसे के कारण या किसी अन्य सुविधा के कारण मेरा इलाज नहीं हो पा रहा है, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। अब बात आती है शिक्षा के अंतर्गत राजस्थान सरकार अनेक विद्यालय महाविद्यालयों की संख्या में वृद्धि कर रही है, शिक्षकों की संख्या में वृद्धि कर रही है तथा शिक्षकों की गुणवत्ता में वृद्धि कर रही है, जिससे विद्यार्थियों की गुणवत्ता में वृद्धि हो तथा विद्यार्थियों को अनेक प्रकार की छात्रवृत्तियाँ और अनेक आर्थिक सुविधाएँ दी जा रही है, जो कि एक शिक्षा के लिए बहुत जरूरी है। अब बात आती है रोजगार की नीति को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि रोजगार को बढ़ावा देना है तो हमें औद्योगिकरण की नीति को अपनाना होगा। औद्योगिकरण की नीति से देश का सर्वांगीण विकास होगा, और उनका कहना है कि मिशन 2030 के तहत आने वाला वर्ष 2030 में राजस्थान के हर नौजवान के पास में रोजगार होगा। इसी के साथ अगला पॉइंट आता है जल स्वावलंबन, जल संचय और जल प्रबंधन। जैसा कि आप सभी को पता है कि जल की समस्या में कितनी भारी संख्या में देखने को मिल रही है, तो माननीय मुख्यमंत्री का कहना है कि वर्ष 2030 तक जल की समस्याओं के समाधान ढूंढ लिए जाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ा पहलू है। अब बात आती है स्वच्छता की। जैसा कि आप सभी को विदित है, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत सुंदर भारत अभियान की घोषणा की थी। इसी अभियान को आगे बढ़ाते हुए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी ने जोर दिया है, और उन्होंने कहा है कि वर्ष 2030 तक राजस्थान को सबसे श्रेष्ठ, सुंदर और सुशील बनाना है। अब बात आती है अर्थव्यवस्था पर अगर हम ध्यान केंद्रित करें तो वर्ष 2018 और 2019 के अंतर्गत राजस्थान की अर्थव्यवस्था 9.11 हजार लाख करोड़ की, जो वर्तमान समय में 11.11 करोड़ है।
जिसके मिशन 2030 के तहत माननीय मुख्यमंत्री का कहना है इसे बढ़ाकर 35.11 लाख कर राजस्थान को भारत का अग्रणी राज्य घोषित करना है। जैसा कि आप सबको विदित है, अनेक सुझावों से सभी पहलुओं से एक ही बात उभर आती है कि राजस्थान सरकार ये चाहती है कि राजस्थान के प्रत्येक लेखकारों, प्रत्येक पत्रकारों, प्रत्येक शिक्षकों, प्रत्येक विद्यार्थियों, प्रत्येक महिलाओं, प्रत्येक पुरुषों से सभी से सुझाव आमंत्रित करके किसी ना किसी तरीके से ये के प्रकार राजस्थान को प्रथम लाया जाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा दो पंक्तियों के साथ कि हम सब ने मन में ठाना है वर्ष 2030 में राजस्थान को भारत का सबसे श्रेष्ठ राज्य बनाना है। जय राजस्थान, जय भारत।